नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयोन्यतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय विततताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजेतापत्रयापहं भवति यदनुभावात् येडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सह मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्ति भवन्ति सर्व एव हि चित्रे पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्मानैर्खण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भातिश्रीयजयतीर्थवाक् अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयाद् यस्मदिष्टार्थसिद्धये कामधेनु यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलो वादिराजश्रीपादोऽभीष्टतस्सदां दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दिवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आज का ये दिन बहुत ही शुभ अवसर है ऐसा मैं मानता हूँ, और एक ऐतिहासिक ऐसी ये घटना वर्ल्ड व्यासराज डिवोटी फोरम के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे विश्व के लोगों को कर्नाटक के दो महान संत, एक श्री व्यासराज स्वामी जी और दूसरे उनके शिष्य पुरंदरदास जी, इनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में विश्व के लोगों को जानकारी हो, इस माध्यम से, इस हेतु इस बड़े कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। और ये बहुत ही एक विशेष घटना है ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे हमारे भारतीय धर्म में कुंभ मेले का जो महत्व है, वही महत्व ऐसी घटनाओं को हमें देना चाहिए, क्योंकि ये संतों की जब समाराधना रहती है, उनकी पुण्यतिथि रहती है, जयंती रहती है, उस दिन हमें उनके चरित्र का, उनके विचारों का स्मरण रखना चाहिए। उसी तरह मेरे ख्याल से ऐसे पहली बार हो रहा है, जितना मुझे ज्ञात है, कि किसी गुरु ने अपने शिष्य को दीक्षा दी, उस दीक्षा का उत्सव यहाँ वर्ल्ड व्यासराज डिवोटी फोरम मना रहा है। श्री व्यासराज जी ने पुरंदरदास जी को जो हरिदास संप्रदाय की दीक्षा दी, उस घटना को 500 साल पूरे हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य पर्व काल है, और यही हम सब भगवत भक्तों के लिए एक उत्सव है। और इस उत्सव के निमित्त इन दोनों संतों के यहाँ चरित्र हमें स्मरण करना चाहिए, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। इस हेतु यथाशक्ति यथामति भगवान की कृपा से, इन दोनों संतों की कृपा से वो चरित्र अपने सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथमतः व्यासराज जी थे, उनका चरित्र बताना, उनका योगदान बताना, ये एक घंटे में या दो घंटे में उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। इतना बड़ा, इतना विशेष उनका योगदान है, उनका कार्य है। जैसे भागवत कथा का, हरि कथा का अभी एक सप्ताह रूप में उसका एक मर्यादित स्वरूप लोगों के सामने आ गया है, वैसे देखा जाए तो भागवत कथा की जब रचना हो रही थी, उससे पहले वेदव्यास जी बैठे थे और नारद मुनि आए और
और उन्होंने देखा कि वेदव्यास जी बहुत चिंतित होके बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कि वेदव्यास जी आपको क्या हुआ? तब वो कहते हैं कि मेरा समाधान नहीं हो पा रहा है। नारद जी ने बताया कि ऐसा क्यों, आपने तो इतना वेदों का विभाग किया, इतनी सारी पुराणों की रचना की, ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की, महाभारत जैसे अलौकिक ग्रंथ की रचना की, फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वो तो भगवान के स्वयं अवतार थे, वो तो जीवोद्धार के लिए ऐसा जताते हैं कि उन्हें समाधान नहीं हुआ है या वो चिंतित है, नहीं तो वो स्वरूपतः नित्य तृप्त है, ये शास्त्र सिद्ध बात है। तब नारद जी ने ये उन्हें कहा तो वेदव्यास जी बोले, वो मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा तो लग रहा है, ये निश्चित है। तो नारद जी ने बताया कि एक विषय है जिस पर आप और एक ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। तो वेदव्यास जी ने बताया कौन से ग्रंथ की। तो वो बोले कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपने महाभारत की रचना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन जो भी विषय आपने प्रस्तुत किए हैं वो विषय मर्यादित रूप के हैं, लेकिन एक विषय है जो आपने प्रस्तुत किया है फिर भी मर्यादित नहीं है, वो विषय भगवान की महिमा का, वासुदेव की महिमा का, इसलिए वो विषय आप कितने भी ग्रंथ रचना करके बताइए, वो उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। फिर उसके बाद वेदव्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की। इसी तरह ये भगवान का जो चरित्र है, ये भगवत कथा है, वो जैसे समाप्त नहीं हो सकती, एक सप्ताह में वो समाप्त नहीं हो सकती, एक सप्ताह में क्या 7 जन्मों भी वो समाप्त नहीं हो सकती ऐसी कथा, और उसके जैसा ही संतों का कार्य, इसलिए व्यास तीर्थ का कार्य भी वैसा ही है, उसकी समाप्ति 1 घंटे में या 1 सप्ताह में या 1 महीने में भी खत्म हो नहीं सकती। इतना बड़ा कार्य, इतना विशेष योगदान उन्होंने दिया, इसके पीछे उनके गुरु भी वैसे ही थे। वो स्वयं प्रह्लाद के अवतार माने जाते हैं, व्यास तीर्थ। बन्नूर नाम की गांव में उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता का नाम सीताबाई और रामाचार्य था। उनके जन्म से पहले एक ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मण्य तीर्थ करके मध्वाचार्य जी के स्थापित संप्रदाय के एक बड़े सत्पुरुष थे। मध्वाचार्य जी के साक्षात शिष्य पद्मनाभ तीर्थ, उनकी परंपरा में बहुत ऐसे शिष्य आए और उन्होंने अपनी स्वयं परंपरा आगे चलाई, इसलिए बहुत परंपराओं का निर्माण हो गया। उसी परंपरा में से एक ब्रह्मण्य तीर्थ, वो संचार करते हुए, दिग्विजय करते हुए जा रहे थे और उन्होंने देखा तो एक घर के पास ये महिला बैठी है, एक स्त्री बैठी है। तो वो गए, तब का काल था 14वीं 15वीं सदी का, तभी गए और भिक्षा मांगने के लिए उधर खड़े हुए और स्त्री को देखते ही उन्होंने दीर्घ सुमंगली भव ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अभी वो महिला ने, जो यति ने, जो सन्यासी ने, मतलब ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने जो आशीर्वाद दिया था उसका स्वीकार किया, लेकिन वो बोली कि महाराज आपने ये आशीर्वाद दिया वो तो सही है, लेकिन अभी अभी क्या हुआ है वो देखिए। तो ब्रह्मण्य तीर्थ जी बोले क्या हुआ है? तो औरत, मतलब सीताबाई थी,
वो बोली कि अभी अभी मेरे पति गुजर गए हैं, उनका देहांत हो गया है। और आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो ब्रह्मण्य तीर्थ जी बोले, चिंता मत कर बेटी, भगवान ही आशीर्वाद दे सकता है, मैं खाली निमित्त मात्र हूँ। यदि भगवान ने मेरे मुंह से दीर्घस मंगली भव ऐसे शब्द निकाले हैं, तो उसे सत्य करना ये ही भगवान ही कर सकता है। तो उसके बाद भगवान की कृपा से ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने रामाचार्य जी को जीवित किया। वो दंपति को बहुत बड़ा आनंद हो गया और गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या लेंगे, ऐसा उन्होंने ब्रह्मण्य तीर्थ जी को पूछा। ब्रह्मण्य तीर्थ जी बोले, मैं रहा सन्यासी, मैं तो ऐसी ऐसा कुछ ले नहीं सकता, लेकिन अगर आपको गुरु दक्षिणा देनी ही है तो वो ये दे दीजिए कि अगर आपको जो पुत्र होगा वो आप भगवत कार्य के लिए, भगवत सेवा में आप मुझे सौंप देंगे। ये होने के बाद ब्रह्मण्य तीर्थ आगे संचार करते करते चले गए। उसके बाद जैसे ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने कहा था, वैसे रामाचार्य और सीता बाई को एक पुत्र हुआ, उसका यतिराज ऐसा नाम रखा। और ये तब की बात है, 15वीं शतक की। तब तो जैसे वचन देते थे वैसे वो निभाते भी थे, अभी की तरह नहीं कि वचन दिया और बाद में भूल गए कौन सा वचन क्या, ऐसा नहीं था। तो जैसा वचन दिया था इन दंपति ने ब्रह्मण्य तीर्थ जी को, वैसा वो निभाया और अपना जो पुत्र था यतिराज उसे ब्रह्मण्य तीर्थ जी के पास सौंप दिया। वो यतिराज जो थे वो जन्मजात ही इतने बुद्धिमान थे, भगवत भक्ति भगवत प्रीति इसमें उनका इतना प्रखर तेज था, उनकी प्रज्ञा इतनी ज्यादा थी कि ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने ये पहचाना कि ये देवांश संभूत है, ये कोई साधा बच्चा साधारण बालक नहीं है। और ब्रह्मण्य तीर्थ जी के पास ही यतिराज का सब शिक्षण हुआ। उसके बाद ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने यतिराज को ही संन्यास की दीक्षा दी और यतिराज जी का नाम व्यास तीर्थ ऐसा रखा। आपको पता है कि संन्यास जब देते हैं तो संन्यासियों को दो नाम रखते हैं, एक तो जब आश्रम देते हैं मतलब संन्यास आश्रम देते हैं तो वो संन्यास आश्रम का एक नाम रहता है, और जब उसे पट्टाभिषेक कहते हैं, पट्टाभिषेक मतलब जब वो सन्यासी वेदांत साम्राज्य पर बैठता है, वेदांत साम्राज्य सिंहासन पर बैठता है, वेदांत साम्राज्य का अधिपति होता है, तो उसे तीर्थ ये संज्ञा लगा के और एक नाम उसका रखते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने यतिराज जी का व्यास तीर्थ ऐसा पट्टाभिषेक करके नाम रखा, मतलब संन्यास दीक्षा दी, उसके बाद पट्टाभिषेक भी किया, इसका मतलब ये मेरा उत्तराधिकारी है। मध्वाचार्य जी कहते हैं कि उत्तराधिकारी देखने के लिए, मतलब संन्यास के लिए, तभी तो उत्तराधिकारी की बात नहीं थी। ये जब संस्थान मठ ये सब शुरू हुए तब उत्तराधिकारी, वो परंपरा आगे चलाने के लिए उसकी बात आई। लेकिन तभी जब मध्वाचार्य इस भूमि पर थे तब उनको, उनके जो शिष्य थे उन्हें चुनने के लिए मध्वाचार्य जी क्या देखते थे, तो मध्वाचार्य जी देखते थे कि इसे वैराग्य है कि नहीं। मध्वाचार्य जी के भाई, स्वयं सगे भाई विष्णु तीर्थ करके थे, उन्हें ऐसा ही वैराग्य आया और वो तुरंत मध्वाचार्य जी के पास गए और उन्होंने बताया कि मुझे अब संन्यास दे दो। लेकिन मध्वाचार्य जी ने तभी उन्हें वापिस घर भेज दिया, ये कह के कि ये अभावपूर्ण वैराग्य है। मतलब ऐसा हुआ था कि विष्णु तीर्थ
ये पूर्वाश्रम में उनका सब घर, माता पिता, ये सब खो चुके थे और इसलिए ये अभी संसार में मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, इसलिए मेरे जीवन में वैराग्य आ गया है। इसे अभावपूर्ण वैराग्य कहते हैं। जब मेरे सामने पंच पकवानों की थाली है तब मुझे लगना कि नहीं, ये मैंने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मन में भी मेरे न आए कि ये मैं खाऊं, ये भावपूर्ण वैराग्य कह सकते हैं। लेकिन मेरे थाली में कुछ ही नहीं है तब मेरे मन में तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए यह अभावपूर्ण वैराग्य कहते हैं। वैसा विष्णु तीर्थ को आया था तो मध्वाचार्य जी ने भेज दिया, और उसके बाद जब सच्चा भावपूर्ण वैराग्य विष्णु तीर्थ को आया तो मध्वाचार्य जी ने तुरंत उन्हें संन्यास दीक्षा दे दी, और विष्णु तीर्थ एक महान सन्यासी इस परंपरा में बने, जिन्होंने ओंकार का संपूर्ण रहस्य इस विश्व में उसका प्रतिपादन किया। तो जो एक गुण मध्वाचार्य जी ने महत्वपूर्ण माना वो वैराग्य, अगर वैराग्य है तो ही ये सन्यासी बन सकता है, नहीं तो हम अभी देखते हैं कलयुग में, मतलब ये भी कलयुग में ही है लेकिन अभी इतना बीच में इतने साल हो गए हैं कि उसका स्वरूप, सन्यास का स्वरूप ही बदल गया है। इसलिए हमें ऐसे उदाहरण दिखते हैं कि है तो सन्यासी लेकिन कर्म तो उसके विपरीत है, इसलिए वैराग्य, वैराग्य इसलिए क्योंकि भक्ति के लिए वो एक आसन जैसा है। अगर वैराग्य है तो भक्ति की धारणा हो सकती है। भक्ति की धारणा कब हो सकती है? जब ज्ञान की धारणा, ज्ञान का ग्रहण हो सकता है, इसलिए वो वैराग्य का गुण उसे महत्व दिया, और ये गुण ब्रह्मण्य तीर्थ जी को यतिराज के पास दिखा, इसलिए तुरंत ही उन्होंने उन्हें संन्यास दीक्षा दे दी। उसके बाद ब्रह्मण्य तीर्थ की भी उम्र हो चुकी थी तो उन्होंने देह का त्याग करके समाधि ले ली, और व्यास तीर्थ भी अभी शिक्षा उनसे ग्रहण कर रहे थे तो उनके समकालीन है और एक बड़े संत थे, उनका नाम श्रीपाद राज तीर्थ, उनके पास व्यासराज जी को आगे की शिक्षा करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए ब्रह्मण्य तीर्थ जी ने भेजा था। और वैसे ही श्रीपाद राज तीर्थ के पास व्यास तीर्थ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। व्यासराज जी के जीवन में इन दोनों संतों का, इन अपने दोनों गुरुओं का महत्व बहुत है। ये जब हम व्यासराज जी का ग्रंथ संपदा उनकी देखते हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं तो पता चलता है एक तरह तत्वज्ञान के बहुत बड़े उद्ग्रंथ, वाद ग्रंथ ये उन्होंने लिखे, तो दूसरी तरह जिसमें भक्ति, परिपूर्ण भक्ति समाई है ऐसी रचना की, ये क्यों साध्य हुआ व्यास तीर्थ को? तो एक तो गुरु ब्रह्मण्य तीर्थ, उनसे ये सब शिक्षा ली, और श्रीपाद राज तीर्थ की विशेषता ये कि जो ये अब हरिदास संप्रदाय की जो परंपरा है, ये हरिदास संप्रदाय का वृक्ष है, उसकी जो मूली है उसे श्रीपाद राज तीर्थ की रूप में माना जाता है, क्योंकि हरिदास संप्रदाय की एक विशेषता, मतलब सब हरिदास वाग्गेयकार थे, मतलब एक जो होते हैं जो सिर्फ शाब्दिक रचना करते हैं, सिर्फ शब्द उनके रहते हैं, संगीत बाद में आता है, लेकिन शब्द के साथ संगीत की भी रचना करना ये वाग्गेयकार का एक बड़ा कार्य है, और हरिदास संप्रदाय के सब संतों ने यही किया है। इसकी शुरुआत वैसे देखा जाए तो मध्वाचार्य जी ने ही की,
क्योंकि उनकी जो संस्कृत रचनाएं हैं वो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि छंदों का, तालों का इतना अलग अलग अंदाज उन्होंने संस्कृत रचनाओं में उसको समाया है। लेकिन वो संस्कृत रचनाएं हैं जो कानड़ी में रचना करना, मतलब स्थानिक लोगों के लिए, जिस राज्य में हम हैं उस राज्य को जो तत्वज्ञान है उसका संदेश दिया जाए, इसलिए उनकी भाषा में रचना करना। इसकी शुरुआत वैसे देखा जाए तो नरहरि तीर्थ की कुछ दो तीन रचनाएं कानड़ी में उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद श्रीपाद राज तीर्थ की बहुत रचनाएं कानड़ी में उपलब्ध है। इसलिए इस हरिदास संप्रदाय के जो उस वृक्ष की मूली है वो श्रीपाद राज तीर्थ को माना जाता है, क्योंकि श्रीपाद राज तीर्थ जी से व्यासराज तीर्थ ने ये वाग्यकार का जो शिक्षा थी वो प्राप्त की, और व्यासराज तीर्थ जी से पुरंदरदास जी ने प्राप्त की, और पुरंदरदास जी तो कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि श्रीपाद राज तीर्थ का जो योगदान है, जो कार्य है, वो भी महान है, वो भी विशेष और महत्वपूर्ण है। तो व्यास तीर्थ ने ब्रह्मण्य तीर्थ जी के देहत्याग होने के बाद श्रीपाद राज तीर्थ से शिक्षा प्राप्त की, उसमें जैसे बताया ये भक्तिपूर्ण रचना करना, ये जो संदेश है वो भी मध्वाचार्य जी ने ही दिया। वो तभी जब भारत भ्रमण करते थे तब अपने शिष्यों के साथ भगवान की महिमा गाते गाते उस पर रचनाएं करते करते वो जाते थे। इसलिए रचनाओं में भगवान का महात्म्य होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भगवान का महात्म्य जब हमें पता चलता है तभी भगवान पे भक्ति हम कर सकते हैं। नहीं तो लोगों को ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि हम भगवान को क्यों माने, हम भगवान से भक्ति क्यों करें। इस प्रश्न का उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हमें भगवान की महानता, भगवान महात्म्य पता चले। इसलिए वो मध्वाचार्य जी ने उनके संस्कृत रचनाओं के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वही श्रीपाद राज तीर्थ ने कानड़ी में रचना करके प्रस्तुत किया, और वही उनके शिष्य व्यास तीर्थ ने वही कार्य किया। तो श्रीपाद राज तीर्थ से ये शिक्षा लेने के बाद भी फिर व्यास तीर्थ बड़े जैसे हो गए, एक जो संस्थान तब तक संस्थान थी, संस्थानों का प्रारंभ हुआ था, शिष्यों की परंपरा बहुत विस्तार से भारत में बसी थी, इसलिए ब्रह्मण्य तीर्थ जी की जो परंपरा थी उनका जो संस्थान था उसकी जिम्मेदारी व्यास तीर्थ के कंधों पर थी। और तभी का जो काल था हमें पता है वो वैदिक धर्म के लिए, इस सनातन वैदिक धर्म के लिए बहुत ही कठिनाई का था। जैसे मुसलमान सल्तनत और बाकी के भी जो शत्रु थे, बाद में जो पुर्तगीज भी आए, सब आए, ये सब शत्रुओं का उस समय हमारे ऊपर एक आक्रमण चल रहा था, और उस काल में जो हमारे राजा महाराजा थे उनका भी अंतर्गत एक शत्रुत्व था। हमें पता है विजयनगर का और गजपति शासन का ये शत्रुत्व था। तो ये अंतर्गत शत्रुत्व को मिटाना, राजों महाराजों में एक सकारात्मक ऊर्जा उनको देना, और ये सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करना, लोगों में भक्ति ज्ञान यथार्थ ज्ञान का प्रसार करना, ये कार्य तभी के बहुत सारे संतों ने किया, और व्यासराज जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए ये कार्य करने के लिए व्यास तीर्थ ने भारत में संचार करना, भारत का भ्रमण करना इसका आरंभ किया, और भारत की कोने कोने में आसेतु हिमाचल उन्होंने भारत में भ्रमण किया।
जहां भी जाओ वहां के एक तो शास्त्र में ऐसा रहता है कि शास्त्र का यथार्थ स्वरूप ये लोगों में जाना चाहिए, इसलिए वाद विवाद रहते हैं। ये जो मध्वाचार्य जी ने उस पर एक अलग ग्रंथ ही अलग रूप से लिखा है, वाद लक्षण या कथा लक्षण करके, उसमें यही है। एक तो वाद रहता है जो तत्व का बोध होने के लिए जो चलता है, वो वाद रहता है गुरु शिष्यों में, और उसके बाद जो बाकी के है, जो स्पर्धात्मक है, जिसमें एक जीतने की संभावना है, एक जीतने की भावना है, किसी को हराने की भावना है, तो वो तो वाद, उसे वाद वास्तविक रूप में नहीं कहे जा सकते, वो तो वितंड है। लेकिन तभी ऐसा था कि जो अलग अलग मतों और संप्रदायों के लोग थे, वो भी ये वितंड, ऐसा वितंड वाद करने के लिए, दूसरों को हराने के लिए आते थे और जयपत्र लेके जाते थे, इसे पत्रालंबन ऐसा कहते थे। तो वैसे ही अगर किसी ने ये वितंडवाद शुरू किया तो उसे हमारे जो मत है, हमारा जो संप्रदाय है, उसका उधर मंडन करना और इतर संप्रदायों का खंडन करना, ये काम व्यास तीर्थ ने भी किया। उनके हम ग्रंथ जब देखते हैं, तर्क तांडव हो, न्यायामृत हो, चंद्रिका हो, तो ये सब ग्रंथों में उन्होंने सभी मतों और संप्रदायों का उसमें एक तरह से समालोचन किया है और सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, मध्वाचार्य जी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यही व्यास तीर्थ ने पूरे भारत भ्रमण में किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बंगाल में जो ब्रह्मण्य तीर्थ के परम गुरु थे, जयध्वज तीर्थ, इन्होंने उनके समय में बंगाल में मध्वाचार्य जी के संप्रदाय का, इस भक्ति संप्रदाय का प्रसार किया था, लेकिन बाद में उधर उसका विस्मरण हुआ। ये जब व्यास तीर्थ जी को पता चला, तो वो जब बंगाल में गए थे तो उधर लक्ष्मी तीर्थ करके एक यति को उन्होंने उधर रखा और कहा कि यहाँ इस बंगाल में तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करो, और उसी परंपरा में आगे चैतन्य महाप्रभु हुए, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह, इस प्रकार व्यास तीर्थ जी ने जो कार्य किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो तत्वज्ञानिक कार्य भी है, जिसमें मैंने जैसे बताया, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया है, उनकी रचना की है। और एक तरफ ये रचनाओं की प्रस्तुति, कानड़ी में रचनाओं की प्रस्तुति, क्योंकि वो जो विजयनगर साम्राज्य में जब रहते थे, क्योंकि विजयनगर के सम्राट जो शासक थे, जो थे वो कृष्णदेव राय, उन्होंने व्यास तीर्थ जी को अपना गुरु माना था, इसलिए उसकी रक्षा करना, एक साम्राज्य की रक्षा करना, ये जिम्मेदारी भी व्यास तीर्थ जी के ऊपर थी। और आसपास के जो लोग थे उनमें ये भक्ति का प्रसार होना, इसलिए व्यास तीर्थ जी ने कानड़ी में रचना करना आरंभ किया। एक तो रहता है कि युक्ति से शास्त्र की रक्षा करना, और दूसरा रहता है शक्ति से शास्त्र की रचना करना। वो काल था जो था, वह इस दोनों शक्तियों की, इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता थी। इसलिए व्यासराज जी ने क्या किया, तो एक तो युक्ति से शास्त्र की रक्षा की, ऐसे बहुत ग्रंथ लिख के, और शक्ति से भी इस धर्म की, इस शास्त्र की रक्षा की। वो कैसे,
तो वो जहां भी जाए वहाँ हनुमान जी का, मुख्य प्राण जी का एक मंदिर वहाँ बनाते थे, वहाँ एक प्रतिमा स्थापित करते थे। वो प्रतिमा क्यों स्थापित करते थे और उन्होंने हनुमान जी को ही क्यों चुना? वो राम का भी मंदिर बना सकते थे, शिव जी का भी बना सकते थे, किसी और भगवान की बहुत अनंत रूप है किसी का भी बना सकते थे, लेकिन विशेषतः उन्होंने मुख्य प्राण जी का, हनुमान जी का रूप क्यों चुना? तो इसमें जो एक संदेश है वो हमें जानना चाहिए, वो ये है कि हनुमान जी ये शक्ति के उपासक, जिनकी उपासना करके हमें शक्ति मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, देह बल, आत्मबल और ज्ञान बल जिनसे मिलता है वो मुख्य प्राण हनुमान जी। तो इनकी उपासना लोग करें और इनसे प्रेरणा लेके अभी जो परिस्थिति हमारे सामने है, जो शत्रु सब जगह फैले हुए हैं, उनसे सामना करने के लिए, उनको प्रत्युत्तर देने के लिए मुख्य प्राण जी की उपासना करो। ये संदेश व्यासराज जी ने जगह जगह मुख्य प्राण जी की प्रतिमा स्थापन करके हमें दिया है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और अभी हमें कर्नाटक में अलग अलग जगहों में ऐसी प्रतिमा देखने को भी मिलती है और बहुत सारी प्रतिमा अभी उनका शोध चल रहा है। तो ये संदेश, और सिर्फ दक्षिण भाग में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर में भी व्यासराज जी ने ये कार्य किया है। ऐसे कहते हैं इनसे ही पहले मध्वाचार्य जी के काल में होगा, या नहीं तो व्यासराज जी के काल में भी होगा, कि बंगाल में, मतलब अभी का वो बांग्लादेश, लेकिन वो पूर्व का बंगाल ही था, उसमें मध्वाचार्य जी का एक मंदिर था, ऐसे कहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये कार्य कितना विस्तार पूर्वक व्यास तीर्थ जी ने किया होगा। और ये तो रहा, मैंने जैसे बताया, ये शक्ति की उपासना करने के लिए मुख्य प्राण जी की स्थापना, और युक्ति की उपासना करने के लिए व्यासराज तीर्थ ने क्या किया? तो दक्षिण भारत में चार अलग अलग जगहों पर चार विद्यापीठों की स्थापना की, और उत्तर भारत में चार अलग अलग दिशाओं पर चार विद्यापीठों की स्थापना की। इसमें हरिद्वार में एक विद्यापीठ, जहाँ सत्यनाथ ये अपने शिष्य को उधर का प्रमुख बनाया, फिर काशी में एक विद्यापीठ बनाया जिधर जयदेव को प्रमुख बनाया, फिर गया में एक विद्यापीठ बनाया, उधर हरि मिश्रा ये अपने शिष्य को प्रमुख बनाया, और बंगाल में एक विद्यापीठ बना के ईश्वर सूरी को उधर का प्रमुख बनाया। ये तो हुआ उत्तर भारत का। और दक्षिण भारत में कुंभकोणम, इस जगह पे तभी की ये एक विद्वत ऐसी जगह थी, सब विद्वान लोग यहाँ आते थे, ये दक्षिण की काशी ही थी। तो ये कुंभकोणम में विजयेंद्र तीर्थ ये अपने शिष्य को उधर का प्रमुख बनाया, उडुपी में वादिराज तीर्थ को प्रमुख बनाया, फिर कांची में श्रीनिवास तीर्थ ये अपने शिष्य को प्रमुख बनाया, और मुळबागिलू ये जो जगह है जिधर व्यासराज तीर्थ के गुरु श्रीपादराज तीर्थ इन्होंने देह त्याग करके समाधि ली, तो वहां विद्यापीठ की स्थापना करके श्रीपादराज तीर्थ की परंपरा में आगे जो शिष्य थे उनमें से एक प्रज्ञानिधि तीर्थ उन्हें वहां का प्रमुख बनाया। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि व्यासराज जी का योगदान ये कितना बड़ा है। एक तो मुख्य प्राण जी की अलग अलग जगहों पे उनकी प्रतिमा की स्थापना, इससे शक्ति की उपासना करो, और विद्यापीठों की स्थापना करके विद्या की उपासना करें, ऐसा संदेश व्यासराज जी ने अपने जीवन कार्य में दिया है। और उनकी जो भक्ति की जब बात आती है, जैसे मैंने बताया, मध्वाचार्य जी स्वयं महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि भक्ति ये ज्ञान से ही आती है।
हमें ऐसा लगता है कि भक्ति और ज्ञान दो अलग गुण है, लेकिन वैसा नहीं। अगर कोई सच्चा भक्त है, उसमें सच्ची भक्ति है, तो ये जरूर है कि उसमें ज्ञान है। और अगर उसकी भक्ति उतनी परिपूर्ण नहीं है, ऐसा हमें पता चलेगा, तो मान लेना कि इसमें ज्ञान नहीं है। हमें संसार में आसक्तता रहती है और भगवान में उतनी आसक्तता नहीं रहती। व्यास तीर्थ जी के ही शिष्य माने जाने वाले वादिराज तीर्थ जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य सब में है। वो ऐसा बोलते हैं, कौन कहता है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य सब में नहीं है, सब में है। बोले कैसे? तो महाराज जी बोले, देखो हमें पैसा कैसा कमाना है इसका ज्ञान है। बोले बराबर है, बिल्कुल ज्ञान है। और हमारे जो पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, इनके प्रति भक्ति है, और भगवान है उसके प्रति वैराग्य है। तो कुल मिलाकर सबके सब में ज्ञान भक्ति वैराग्य का आविष्कार है, लेकिन वो किसके प्रति क्या है यही जानना चाहिए। तो उसका अगर क्रम बदल दिया गया तो सब चौपट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति रहनी चाहिए, ये संसार के प्रति वैराग्य रहना चाहिए और भगवान के प्रति उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी भक्ति आ सकती है। इसलिए संसार में वैराग्य होना चाहिए। और ये कब होगा? जब भगवान का महात्म्य हमें पता चलेगा। इसलिए ये महात्म्य का वर्णन कानड़ी रचनाओं में करके व्यासराज जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। मध्व संप्रदाय में एक तो व्यासकूट है और दासकूट है। ऐसा कहते हैं कि व्यासकूट में सब बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं, जिन्होंने तत्व ज्ञान ग्रंथों की रचना की और ऐसे कठिन कठिन विषय लेके उसमें व्याख्यान लिखा, वो व्यासकूट में आते हैं। और दासकूट में कौन आते हैं? तो वही विषय देख लीजिए, वही विषय, वही कठिन कठिन विषय जिन्होंने सुलभ करके स्थानिक भाषा में, मतलब तभी की वहाँ की कानड़ी भाषा, उस भाषा में जिन्होंने वही कठिन विषय सुलभ करके प्रस्तुत किए, वो दास कूट में आते हैं। कूट मतलब एक समूह की तरह, एक संगठन। तो ऐसे कुछ संत हैं जो सिर्फ व्यासकूट में आते हैं, जो दासकूट में आते नहीं। कुछ सन्यासी सिर्फ व्यासकूट से मर्यादित है, मतलब उनमें दास्य नहीं, भक्ति नहीं, ऐसा भाव नहीं है, उनमें भी ही भक्ति उतनी ही है। लेकिन रचना की बात करें तो उन्होंने दासकूट में रचना नहीं की है। लेकिन व्यासराज तीर्थ, श्रीपादराज तीर्थ ऐसे बहुत बड़े संत थे जो व्यासकूट में भी आते हैं और दासकूट में भी आते हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं, इसमें आपको सब मिलेगा। अगर कोई विद्वान पंडित हो तो उसे उसकी रुचि का विषय मिलेंगे, उसके रुचि के विषय मिलेंगे। और अगर हमारे जैसे सामान्य लोग हो तो उन्हें एक सामान्य की तरह जो समझ में आए वैसे भक्ति की रचनाएं मिलेंगी। तो इस तरह व्यासराज तीर्थ का कार्य बहुत बड़ा है। तो ये भक्ति कैसी, तो ये जो भाव व्यासराज जी का था वो कैसा था, ये एक कथा से हमें पता चलता है। वो जब तिरुपति गए, तो आपको तो पता है तिरुपति अभी तो उधर जाने के लिए रास्ता हो गया है, लेकिन पहले तो नहीं था। वो जो पर्वत है वेंकटाद्री, वो तो चढ़ के ही जाना पड़ता था। जो व्यासराज तीर्थ जब वहां गए तो उन्हें क्या दिखा? तो वो सारा, वो पूरा पर्वत उन्हें भगवान का रूप दिखा, वो शालिग्राममय दिखा। इसलिए उन्होंने अपने पैर उस पर्वत को नहीं लगाए और घुटनों का
सहाय्य लेके वो ऊपर तक गए। ये भाव, ये भक्ति का भाव, ये कब आता है? तो ज्ञान से आता है। इसलिए भगवान का महात्म्य पहले ग्रहण करो, उसके बाद ये भाव अपने आप जागृत हो जाएगा। ये व्यासराज जी के जीवन से हमें पता चलता है। तो ऐसे व्यासराज जी ने वो शिखर उन्होंने चढ़ के वो गए और ऊपर भगवान के दर्शन किए। और तभी उधर जो व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए व्यासराज जी ने स्वयं उधर एक व्यवस्था लगाई और 12 साल उन्होंने भगवान बालाजी की, तिरुपति की, वेंकटेश की सेवा की, ऐसा कहते हैं। और उसमें भी देखिए एक संत की दृष्टि कितनी व्यापक होती है, कितनी विशाल होती है। मध्व संप्रदाय में कुछ लोगों का और मध्व संप्रदाय के बारे में कुछ लोगों को बहुत संदेह रहते हैं कि ये बहुत ही कर्मठ लोक है, ये खुद का ही सच करते हैं, दूसरों की बात मानते नहीं, ऐसा बहुत। लेकिन व्यासराज जी का कार्य देखिए, दक्षिण भारत में ऐसे बहुत देवस्थान है जहां श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग उसकी देखभाल करते हैं। तिरुपति उनमें से एक है और बहुत है, श्रीरंगम है, बहुत है। व्यासराज जी ने जब उसकी व्यवस्था ली तो उन्हें ये बिल्कुल भी कठिन नहीं था कि उधर मध्व संप्रदाय के लोगों को, हमारे संप्रदाय के लोगों को वहाँ व्यवस्था में बिठाओ। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने जो अर्चक, जो पूजा करने वाले लोग वहाँ रखे, वो श्री वैष्णव संप्रदाय के ही लोग रखे, उनको निकालकर मध्व संप्रदाय के लोगों को वहाँ नहीं बिठाया। इसके आपको पता चलता है कि उनकी महानता क्या है। एक विशाल दृष्टि व्यासराज तीर्थ की दिखती है। ऐसे बहुत देवस्थान है जहाँ मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के संतों ने, शिष्यों ने उसकी देखभाल की है, लेकिन कभी भी उसकी व्यवस्था देखने के लिए अपने संप्रदाय के लोगों को वहाँ नहीं बिठाया। जो श्री वैष्णव संप्रदाय उधर चल रहा है, वही संप्रदाय के लोगों को उनका ही सम्मान किया। इस तरह व्यासराज जी का योगदान बहुत बड़ा है। वो तत्वज्ञानी की योगदान हो, वो ऐसे हरिदास संप्रदाय का तो योगदान है ही, पुरंदरदास जी को शिष्यत्व देके उन्होंने वो सिद्ध किया है, लेकिन सांगीतिक योगदान, उस पर भी चर्चा होना महत्वपूर्ण है। व्यासराज तीर्थ जी का सांगीतिक योगदान बहुत बड़ा है। ऐसा कहते हैं कि उस काल में जिसे भी संगीत में कुछ समस्या हो, एक राग हो, उसकी पेशकश कैसी की जाए, स्वर कैसे लगाए जाए, ये सब वो व्यासराज तीर्थ जी के पास आके वो समस्याओं को सुलझाते थे। इतना बड़ा योगदान व्यासराज तीर्थ जी का संगीत के क्षेत्र में भी है। तो इसी तरह व्यासराज तीर्थ जी ने अपना कार्य तो किया और एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने इस भरतखंड को, इस कर्नाटक की भूमि को और कर्नाटक संगीत को दिया, और वो योगदान है पुरंदरदास जी। पुरंदरदास जी की चरित्र ये बहुत ही उद्बोधक है। उनकी रचनाएं से, उनकी रचनाओं से हमें पता चलता है, लेकिन उनकी रचनाओं के साथ उनका जो चरित्र है, वो चरित्र में आने वाली जो कथा है, उससे भी हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। पुरंदरदास जी ये नारद के अंश माने जाते हैं, और नारद अंश होने के कारण
आपको तो पता है नारद जी की भक्ति, नारद जी का ज्ञान, ब्रह्मदेव के पुत्र साक्षात भगवंत का जिन्हें सहवास है, वैसे नारद जी उनका अंश पुरंदर दास जी। पुरंदर दास जी पूर्वाश्रम में, जब वो पुरंदर दास बने नहीं थे, जब व्यासराज तीर्थ जी ने उन्हें हरिदास संप्रदाय की दीक्षा दी, तब वो पुरंदर दास जी बने। उससे पहले उनका नाम श्रीनिवास नायक था। ये जो श्रीनिवास नायक जब थे, तभी की कथा बहुत ही मनोरंजनात्मक है और बहुत कुछ सिखाने वाली भी है। मतलब हमारे जैसे संसारी लोगों को तो बहुत कुछ सिखाने वाली है। श्रीनिवास नायक जी का जन्म तीर्थहल्ली के पास कर्नाटक में हुआ ऐसा मानते हैं, और कुछ अभ्यासकों का मानना है कि उनका जन्म ये पुणे के पास जो पुरंदर गांव है वहां हुआ। लेकिन इस विवाद में अभी हम जाते नहीं है। तीर्थहल्ली के पास उनका जन्म हुआ ऐसे मानते हुए ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर अभ्यासकों का वही मानना है, इसलिए हम वो ग्राह्य धरते हुए आगे जाते हैं। तो इनका जो ये नायक परिवार था, इनका बहुत सालों से इस परिवार में व्यापारी थी। कैसी व्यापार था, कैसा व्यापार करते थे ये लोग, तो सोने का, चांदी का, हीरों का व्यापार करते थे। मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब था, श्रीमंत थे बहुत। और उसी परिवार में श्रीनिवास नायक, मतलब स्वयं नारदांश, उनका जन्म हुआ। और ये बचपन में इन्होंने सब विद्या, जो व्यावहारिक विद्या जो लगती है, वो सब हासिल कर ली। और जो व्यापार की जो शिक्षा थी, वो भी अपने पिता के पास से ग्रहण कर ली। और ये बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे। मतलब पुरंदर दास जी होने के बाद इनका जो रूप हमें दिखता है, उससे पहले वो बिल्कुल विरुद्ध था। ये बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे, ऐसा कहते हैं। इन्हें पैसों का, हीरो, सोने, चांदी, इसमें इतनी आसक्तता थी कि ये धर्म की एक चीज भी नहीं करते थे। और इससे विरुद्ध इनकी जो पत्नी थी सरस्वती बाई, वो बहुत बड़ी धार्मिक थी। वो इन्हें कहती थी कि आपको दे भगवान का, धर्म का कुछ तो करना चाहिए। लेकिन ये कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ 24 घंटे अपने व्यापार में ये डूब गए थे। डूब मतलब अच्छी तरह से डूब गए थे, बुरी तरह से तो वो बाद में डूब गए जब भगवान ने उनकी परीक्षा ली। पुरंदर दास जी की जैसी परीक्षा ली, वैसी अन्नम्माचार्य जी की भी परीक्षा ली। अन्नम्माचार्य जी, आपको पता है, ये पुरंदर दास जी के ही समकालीन है ऐसा मानते हैं। अन्नम्माचार्य जी ये आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा के वाग्गेयकार है। जैसे मैंने बताया, वाग्गेयकार मतलब शब्द और संगीत साथ में जो इनकी रचना करते हैं, वो वाग्गेयकार कहलाते हैं। जैसे पुरंदर दास जी ने कानड़ी भाषा में, वो कानड़ी भाषा के वाग्गेयकार थे, वैसे अन्नम्माचार्य तेलुगु भाषा के वाग्गेयकार थे। तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय के थे। तो ऐसा कहते हैं कि अन्नम्माचार्य ये, वो भी इनकी तरह, ये श्रीनिवास नायक जी की तरह बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे। उनको दो बीवियाँ थी, दो पत्नियाँ थी, और वो दो पत्नी की सेवा में वो बहुत रत रहते थे। कुछ भी हो जाए तो सिर्फ दो पत्नियाँ ही उन्हें, उनके लिए सारा विश्व था। तो ऐसा हुआ, एक बार उन्हें भी ये, खास करके विशेषतः तेलुगु वाग्गेयकार कोई भी नहीं था, इसलिए उनका अवतार हुआ ऐसा कहते हैं, भगवान ने उन्हें भेजा था। तो ऊपर वैकुंठ में श्रीदेवी भूदेवी भगवान से कहने लगी कि प्रभु, आपने तो इन्हें
एक निश्चित कार्य से भेजा है। लेकिन ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये तो अपनी पत्नियों के सेवा में रत है, तो ऐसा कैसा? तो भगवान बोले, नहीं, मुझे पता है कि मैंने इसे किस लिए भेजा है और वो वही करने वाला है, लेकिन अभी तक वो समय आया नहीं है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये भगवान का न्याय है। इसलिए वो बोले कि वो समय आने पर देखिए मैं क्या करता हूं। तो एक दिन वो समय आया और भगवान ने यतिवेश धारण किया, एक सन्यासी बन के चले गए अन्नम्माचार्य जी के पास। और वो तो उनका वो रोज का था कि अपनी पत्नियों के सेवा में वो लगे रहे थे। तो ये यतिवेश धारण करके भगवान आए, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि क्या महाराज, किधर ध्यान है? तो अन्नम्माचार्य जी बोले कि ये जो विश्व की दो सुंदरियां मेरे सामने हैं, उन पर ही मेरा ध्यान है। तो यतिवेश धारण करके आए हुए भगवान थे, वो बोले कि क्यों ऐसा, मतलब क्यों तुझे लगता है कि यही विश्व की दो सुंदरियां है? तो अन्नम्माचार्य जी बोले कि मुझे पता है यही है दो, इससे और सुंदर विश्व में कोई नहीं है, इसलिए मैं इनकी इतनी सेवा करता हूं। तो भगवान जी बोले, अच्छा ऐसा है, लेकिन मैंने इनसे भी सुंदर ऐसी कोई चीज तुझे दिखाई तो तू क्या करेगा? तो अन्नम्माचार्य जी ने कहा, ऐसा महाराज, इनसे भी सुंदर चीज एक तो वो है नहीं विश्व में, मुझे पता है, लेकिन आपने अगर ऐसी एक वस्तु मुझे दिखाई इनसे भी सुंदर, तो उस वस्तु का, वो जो भी कोई चीज हो, उसका मैं मरते दम तक, मेरे आखिरी सांस तक मैं उसका दास बन जाऊंगा। भगवान जी बोले, ठीक है, दिखाता हूँ मैं तुझे। और भगवान जी अन्नम्माचार्य जी को लेके गए विष्णु के मंदिर में और स्वयं अपनी ही मूर्ति, अपना ही रूप उसके सामने खड़ा किया अन्नम्माचार्य जी को। और तभी अन्नम्माचार्य जी ने जो कुछ देखा, भगवान के दर्शन हुए वहाँ, और सब भूल गए जो भी था, और असली में जैसा बोला था वैसा आखिरी सांस तक भगवान के दास बन के रहे। तो ये भगवान की लीला रहती है, वही भेजता है किसी कारण से एक कारण कार्य करने के लिए, और उसके विरुद्ध ही उनका बर्ताव रहता है। उनका बर्ताव इसलिए रहता ही, एक तो भगवान की लीला है, और भगवान की लीला क्यों है? हमें सिखाने के लिए। भगवान की लीला से हमें शिक्षा मिलती है। रामायण में राम भी स्वयं ये कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं। वो क्यों कहते हैं? वो क्या असल में मनुष्य नहीं है, वो तो सच्चिदानंदात्मक भगवान ही है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं, ऐसा हमें भास होता है कि वो मनुष्य है, मनुष्य जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। वो वैसा करके, वैसा बर्ताव करके हमें ये सीख मिले, इसलिए हमारा उद्धार हो, इसलिए भगवान की ये लीला रहती है। तो श्रीनिवास नायक के जीवन में भी वैसा, बिल्कुल भी धार्मिक नहीं, भगवान का नाम नहीं, कुछ भी नहीं, पूजा नहीं, उपास नहीं, व्रत नहीं, कौन से भी, और इनसे बराबर विपरीत इनकी पत्नी वो सब करती थी, उपवास करती थी, व्रत रखती थी, पूजा करती थी, बहुत बड़ी धार्मिक। तो भगवान ने ये लीला तो की थी, और वो समय आया अब श्रीनिवास नायक जी के जीवन में, और भगवान चले आए, भगवान ने रूप लिया, वो एक गरीब ब्राह्मण का लिया। और गरीब ब्राह्मण, इनका जो व्यापार था, तो उधर आए सोना चांदी हीरों के साथ, पैसों के साथ उसका हिसाब किताब ये रख रहे थे पुरन श्रीनिवास नायक सभी के। और ये गरीब ब्राह्मण आया और बोला, नायक जी, मुझे मेरे बेटे का उपनयन संस्कार करना है, तो कुछ मदद दीजिए। तो ये श्रीनिवास नायक थे, मैंने जैसे बताया,
एक तो धार्मिक तो नहीं ही थे और ऊपर से इतने पैसों में आसक्त थे कि उनसे पैसा छूटता ही नहीं था। अगर किसी ने दान मांगा तो वो भी गिरवी रखे ही दान देते थे, मतलब वो तो दान ही नहीं हुआ लेकिन गिरवी रखने के लिए अगर कुछ है तो वो दे दो और उसके बराबर हिसाब करके मैं आपको पैसों की मदद दूंगा, ऐसा उनका व्यवहार था। तो ये ब्राह्मण ने जब ऐसा कहा तो श्रीनिवास नायक बोले, मदद दूंगा लेकिन गिरवी रखने के लिए क्या लाया है? तो ब्राह्मण बोला, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, आप तो इतने बड़े साहूकार है, इतनी इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मेरे बेटे का उपनयन संस्कार करने के लिए आपने अगर थोड़ी मदद की पैसों की तो बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन ये श्रीनिवास नायक जी माने नहीं और उन्होंने उस ब्राह्मण को भगा दिया। फिर दूसरा दिन आया, उसी समय पर वो ब्राह्मण फिर से आया और बोला, नायक जी मुझे मदद करो। नायक जी ने बोले, आज कल नहीं लाया था लेकिन आज तो कुछ लाया है गिरवी रखने के लिए। तो ये बोले, नहीं महाराज जी, मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या लाऊं गिरवी रखने के लिए। तो नायक जी बोले, तो भाग जाओ, क्यों आया है इधर, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ऐसे करके वो फिर गया। ऐसे बहुत दिनों तक चला, वो ब्राह्मण आता था, नायक जी से मदद मांगता था, नायक जी उसे भगाते थे और वो वापस जाता था। एक उधर वो आदमी था, उसे उसने ये देखा और उसने बोला, तू एक काम कर, तुझे अगर मदद चाहिए तो तू नायक की जो पत्नी है सरस्वती बाई उनके पास जा, वो बहुत दयालु है और धार्मिक है, वो तेरी मदद कर सकती है। नायक जी के पास जब तक तू गिरवी रखने के लिए कुछ लाता नहीं तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है और वो गया सरस्वती बाई के पास, नायक जी की पत्नी के पास। उधर जाते ही उसने सब बताया कि ऐसा ऐसा है, मेरे बेटे की मुझे व्रतबंध करनी है, उपनयन संस्कार करना है, इसलिए मुझे पैसों की मदद चाहिए। और मैं गया था नायक जी के पास लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं मुझे और वो गिरवी रखने के लिए कुछ तो मांग रहे हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये सब सुन के सरस्वती बाई को बहुत कष्ट हुआ और उस ब्राह्मण की वो परिस्थिति सुन के उन्होंने तुरंत ही जो नथनी थी उनकी वो उस ब्राह्मण को दे दी। और वो लेने के बाद वो ब्राह्मण तुरंत ही नायक जी के पास चला गया। वो चला जाने के उसे देखते ही नायक जी बोले, तू फिर आया, मैं तुझे बोला था कि मेरे पास कुछ भी तुझे देने के लिए नहीं है। तो ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मैंने गिरवी रखने के लिए कुछ तो लाया है। ऐसा सुनते ही नायक जी बोले, आओ इधर आओ बैठो। वो व्यापार का जो एक आसक्तता उनके मन में थी वो कितनी थी देखिए, और इसका विपरीत रूप, विपरीत इसका अवतार वो पुरंदरदास जी बनने के बाद आपको देखने को मिलता है। तो गिरवी रखने के लिए कुछ तो लाया है सुनते पुरंदरदास जी ने, मतलब श्रीनिवास नायक जी ने उस ब्राह्मण को बिठाया और पूछा कि क्या लाया है गिरवी रखने के लिए। तो उसने वो नथनी जो उनके ही पत्नी के पास से लाई थी वो दे दी। तो श्रीनिवास नायक जी को कुछ तो यह गड़बड़ लगी, उन्हें लगा ये नथनी मैंने कहा तो देखी है, कहा वो अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन देखी है। तो नायक जी बोले, ठीक है मैं नथनी रखता हूँ, तुम कल आ जाना। इसलिए वो ब्राह्मण को फिर से भेज दिया और उन्होंने वो नथनी ले ली और तिजोरी में बंद किया। उसके बाद वो घर चले गए और घर जाने के बाद अपनी पत्नी को वो बोले कि तेरी नथनी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है? तो पत्नी बोली, मैंने कहीं तो रख दी है, मैं लाती हूँ। उसके बाद वो पत्नी को पता चला कि अब आगे क्या होने वाला है, मतलब नायक जी इतने आसक्त थे संसार में, वो सब व्यापार में, कि उनके सामने उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था।
और इस बात का सरस्वती बाई को, उनकी पत्नी को, बराबर ज्ञान था और आगे क्या होगा ये उन्हें पता था। इसलिए उन्होंने ये ठान लिया कि अब मुझे मेरा देह त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कुछ खैर नहीं। इसलिए उन्होंने विष लिया और वो विष वो अब पीने जाने वाली थी, उसी वक्त उस विष में वो नथनी गिरी। देखिए भगवान की लीला कैसे, वो नथनी गिरी, वो उन्होंने निकाली और धोकर नायक जी को दे दी। अब नायक जी को और भी इसमें कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो तुरंत ही वो नथनी लेके अपने दुकान पर चले गए और वहां तिजोरी खोली, देखी तो अंदर नथनी नहीं। तब पुरंदर दास जी को, मतलब श्रीनिवास नायर जी को पता चला कि ये सच में भगवान की लीला है और अभी तक जो सब था, जो आसक्तता थी, उसका विस्मरण हुआ और भगवान की दया का और उससे लगाव उन्हें लगने लगा। फिर वो घर गए और पत्नी को ये सब बताया और उसके बाद उन दोनों ने वो ब्राह्मण का पता लगाया कि वो कहाँ है, किधर गया, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। और तब इन्हें पता चला और उसी क्षण पुरंदरदास जी ने, मतलब श्रीनिवास नायक जी ने अपना घर छोड़ दिया, व्यापार का जो धन था वो सब लोगों में बांट दिया। देखिए भगवान की लीला, जिस धन पर आसक्त हुए थे, एक भगवान की दर्शन होने के बाद, उसकी कृपा होने के बाद वही धन सब लोगों में बांट देना, ये कौन करेगा? उसकी कृपा से ये कौन नहीं कर सकता? इसलिए वो धन सब में बांट दिया और ये भगवान का शोध लेते लेते वो पंढरपुर गए, महाराष्ट्र में पंढरपुर, विठ्ठल का बड़ा क्षेत्र, उधर गए। उधर उन्हें दृष्टांत हुआ कि तुझे हम्पी जाना पड़ेगा, उधर तेरे गुरु है व्यास तीर्थ करके, वो तेरे गुरु है, उनसे तुझे शिक्षा सब मिलेगी। तो अभी भगवान का ही दृष्टांत हुआ और भगवान ने दर्शन देके ये कहा, तो वो हम्पी चले गए। वहाँ व्यासराज तीर्थ थे और उन्हें भी ये पता चला, ज्ञानी लोगों को ये सब दिखता है। तो व्यास तीर्थ जी ने पुरंदरदास जी, मतलब श्रीनिवास नायक जी को बुलाया और उन्हें उनके पास ही रखा और हरिदास संप्रदाय की दीक्षा दी। और उस दिन उन्हें पुरंदरदास ऐसा उनका नामकरण किया। उसी दिन से, मतलब एक तो भगवान ने दर्शन देके जो लीला, अद्भुत लीला की, उसी क्षण से उनमें वो वैराग्य जागृत हो गया था। लेकिन एक जो रहता है वो गुरु का आशीर्वाद रहता है। मध्वाचार्य जी भी कहते हैं कि गुरु के अनुग्रह से जो प्राप्त होता है वो किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का अनुग्रह ये बहुत ही बड़ा है, गुरु का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यासराज तीर्थ जी ने जब दीक्षा दी, उसके बाद उनका जीवन और भी बदल चुका और उसी दिन अब वो पुरंदरदास बने, वो श्रीनिवास नायक तो नहीं रहे। पुरंदरदास बनने के बाद उसी दिन उन्होंने पहली रचना की, प्रस्तुति की, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। देखा सपने में गोविंद को, देखा सपने में मैंने कनक रत्न मणि को, नंद नंदन मुकुंद के चरणों को, नुपुर को झुंझुनाते, काली के फल फन पर चढ़ के, धीम 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 किटता से, मुग्ध नृत्यरत मुकुंद चरण को। उसी दिन से उन्हें जो भगवान का दर्शन हुआ और भगवान का पूरा रूप उनके सामने आ गया। और जो संगीत की शिक्षा थी, देखिए एक भगवान का, मतलब गुरु का ये बड़प्पन भी है, गुरु की महानता इससे पता चलती है।
पुरंदरदास जी की तो है ही, लेकिन उनके गुरु की मतलब व्यासराज तीर्थ इतने महान थे कि संगीत की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त कर ली पुरंदरदास जी ने अपने गुरु से। इसलिए वो उनके रचनाओं में, बहुत ऐसी रचना है उसमें हमें ये दिखता है कि संगीत का, ताल का, ये जो शब्द है, ये जो बोल रहते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और ये गोविंद को देखते ही सब भूल गए, जैसा गोपियों का भाव था वैसा ही भाव। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जहाँ गोपियों का जो भाव था उसका वर्णन पुरंदरदास जी उनकी रचनाओं में करते हैं। और ये होने के बाद पुरंदरदास जी का जीवन कैसा रहा, तो भिक्षा मांग के वो अपना जीवन गुजारते थे। भिक्षा एक समय देखिए, व्यापारी थे सोने चांदी और हीरों के, और तुरंत ही हरिदास दीक्षा होने के बाद भिक्षा मांगकर रहने लगे। ये वृत्ति, ये दास्य कहाँ से आया? लक्ष्मी के उपासक को ये दास्य आता है। लक्ष्मी की उपासना क्यों करना चाहिए? धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं, वो तो आती ही है, क्योंकि लक्ष्मी और हरि का कभी वियोग नहीं है। इसलिए लक्ष्मी की उपासना करने वालों को वो लक्ष्मी की प्राप्ति, वो जैसा इंग्लिश में इम्प्लाइड कहते हैं वैसा इम्प्लाइड है, वो तो होने ही वाली है। लेकिन अगर हरि को चाहिए इस भाव से लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो क्या मिलेगा? तो दास्यत्व मिलेगा। ये पुरंदरदास जी के जीवन का संदेश है। लक्ष्मी हृदय में कहते हैं, श्री शांग्री भक्तिम हरिदास दास्यम। हरिदास जो दास्य है, दास्य भाव है, वो लक्ष्मी देती है, लक्ष्मी प्रदान करती है, क्योंकि वो सबसे पहली दास है। सबसे पहली हरिदास कौन है? तो स्वयं लक्ष्मी है। श्रवणम कीर्तनम, ये जो नवविधा भक्तियां हैं, वह पाद सेवनम कौन करता है? पाद सेवन भक्ति कौन सिखाता है हमें? स्वयं लक्ष्मी जी सिखाती है। इसलिए जो लक्ष्मी के उपासक थे श्रीनिवास नायक जी, उन्हें क्या मिला? तो हरिदास, हरिदास्य दास्यत्व मिला, हरि का दास वो बने। और इसलिए भिक्षा मांग के, एक ऐसी बहुत शिक्षा देने वाली कथा है, हमें, हम उस कथा से सीखते हैं। अभी व्यासराज तीर्थ ये कृष्णदेवराज के गुरु थे, विजयनगर का सम्राट, और उनके जैसे ही पुरंदरदास जी व्यास तीर्थ के शिष्य थे, लेकिन अधिकार में, ज्ञान में, भक्ति में वो बड़े थे। इसलिए कृष्णदेवराय पुरंदरदास जी को भी सम्मान देता था। और पुरंदरदास जी अभी गृहस्थी रहे और भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते थे, तो कृष्णदेवराय जी ने उनका सम्मान करने के लिए भिक्षा के साथ, उस धान्य के साथ कुछ माणिक रत्न ऐसे भी डाले। और जब भिक्षा लेके वापिस पुरंदरदास जी घर पर आए, मतलब घर ऐसा नहीं, मंदिर में वो रहते थे उनके परिवार के साथ, परिवार के सदस्य भी। हरिदास जी का जीवन देखिए, वो सन्यासी नहीं रहते, गृहस्थ ही रहते हैं, इसलिए उनका पूरा परिवार भी उनके साथ रहता है। पूरा परिवार भगवत कार्य में, भगवान की महात्म्य बताने में जुड़ जाता है। इसलिए भगवान की महात्म्य की प्रस्तुति करने में पूरा परिवार, वैसे ही पुरंदरदास जी का परिवार एक गांव के किसी बाहर जो मंदिर रहेगा वहां वो रहते थे। तो भिक्षा लेके उस मंदिर में आ गए जहाँ परिवार था, और बोला कि आज कुछ तो खाना पकाना चाहिए। इसलिए वो धान्य, वो जो भिक्षा ली थी, वो सरस्वती बाई अपनी पत्नी के पास दे दी। तो देखिए, जो दृष्टि रहती है वो पत्नी की भी दृष्टि, पुरंदरदास जी की दृष्टि वैसी पत्नी की भी दृष्टि, वो जो रत्न थे, वो मणि थे, वो सब निकाल दिए, कचरा कर कर निकाल दिए, कहकर वो कचरा है,
और सिर्फ धान्य लिया। धान्य में जब ऐसा खड़ा आता है, धान्य में जब कचरा आता है वो निकाल देते हैं और धान्य लेते हैं, वो रत्न वो कचरा समझा। ऐसा भाव हरिदास का रहता है। और ये पत्नी का भाव होने से, वैसे देखा जाए तो श्रीनिवास नायक जी हरिदास बने, इसमें उनके पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये स्वयं पुरंदरदास जी ने ही माना। पुरंदरदास जी की एक रचना में वो अपने पत्नी के आभार मानते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी थी इसलिए मैं हरिदास बन सका, नहीं तो मैं हरिदास नहीं बन पाता। इसलिए पत्नी का भी सम्मान, हमारे शास्त्र ने स्त्री को सम्मान दिया ही है। ये जो अभी आजकल पैट्रियार्की की बातें चलती है वो बिल्कुल यूजलेस है। उपनिषद से लेके ये हरिदासों की रचना तक कुछ भी निकालो, स्त्री को सम्मान पहले दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी मातृदेवो भव पहले आता है, उसके बाद पितृदेवो भव आता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और इस शास्त्र का वो संदेश रचनाओं में भी हरिदास जी ने लाया। और पुरंदरदास जी वैसे ही कहते हैं कि पत्नी की, मैं पत्नी का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ, उसका ऋणी हूँ कि उसी की वजह से मैं आज हरिदास बन सका। और इनका वेश भी बदल गया। अभी अभी वो ऐसा नाम तिलक लगा के, तुलसी की माला पहनते, वीणा लेके ऐसे वो जाते थे, गाँव गाँव में भटकते थे और भगवान महात्म्य का वर्णन करते थे। और उनकी रचनाओं में भी ये दिखता है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हम सब तो नहीं इधर पे प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन बहुत है। ऐसा कहते हैं कि 4,25,000 उनकी रचना थी। अभी सब उसमें से उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत रचना उन्होंने की थी। बहुत बहुत अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की महिमा हो, भगवान नामस्मरण की महिमा हो, इस व्रत आचरण इसकी महिमा हो, वो कैसे करने चाहिए, एकादशी जैसे व्रत हो, बहुत इन सब विषयों पे, और उसमें तत्वज्ञान के ही विषय, इन सब का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में से किया था। एक रचना उसकी भी हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताता हूँ। मन में दृढ़ता होना, जनता का संसर्ग त्यजना, शंका निर्मूलन करना, मन श्री हरि को देना। वो बताते हैं कि श्रीनिवास नायक जब थे उसके बाद अब ये परिवर्तन हो गया जीवन का, तो उसका ये संदेश उन्होंने क्या सीखा कि मन में दृढ़ता होना, जनता का संसर्ग त्यजना। जनता का संसर्ग हम जब उसका त्याग करेंगे, संसार का त्याग करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, जब संसार का त्याग होगा तो भगवान का महात्म्य पता चलेगा। भगवान का महात्म्य जब पता चलेगा तब संसार का त्याग होगा। ऐसा दो ही रूप, दोनों रूप से है वो है इसलिए। और जब संसार का त्याग होगा, जब लोगों का संसर्ग है वो जब कम होगा, तो मन में दृढ़ता आएगी। शंका निर्मूलन करना, मन श्रीहरि को देना, मन को श्रीहरि को देना। अब ये योग सूत्र और पातंजलि योग में सब में कहते हैं कि एकाग्र चित्त, मन को एकाग्र करो। और आजकल भी बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन के क्लासेस होते हैं, वहाँ बताते हैं। लेकिन मन को एकाग्र करो मतलब कहाँ करो, और वो कैसे करे, कोई ऑब्जेक्ट ही वहाँ नहीं है तो मन को एकाग्र कैसे करे। इसलिए मन को श्री हरि को देना, मन श्री हरि को देना, ये सबसे बड़ी बात है। तंत्र सार में मध्वाचार्य जी ने ध्यान का विस्तृत विवेचन किया है, वो अलग बात है, लेकिन वही सब, वही विषय सुलभ करके पुरंदरदास जी ने उनकी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। तो मन श्री हरि को देना, श्री हरि है ऑब्जेक्ट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट को मन देना चाहिए, नहीं तो मन तो वो मन है, उसे एकाग्र करने के लिए कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, उस मन का स्वामी, इस जीव का स्वामी वो कौन है, तो श्री हरि। तो मन श्री हरि को देना, ये कब हो सकता है, इसलिए पहले बताया शंका निर्मूलन करना।
जो संदेह रहते हैं मन में उसका निर्मूलन होना चाहिए। ये जब होता है तो हम ये बाकी की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। व्यापार को छोड़ना, पापों से मुक्त बनना, ये देखिए उनके ही जीवन से ये हासिल की हुई शिक्षा कि व्यापार को छोड़ना, पापों से मुक्त होना। जो व्यापार करते थे वह तब तो धार्मिक नहीं थे बिल्कुल भी, इसलिए बहुत बड़ा पाप हुआ होगा, ऐसे उसकी उनकी भावना है। देखिए इसलिए व्यापार को छोड़ना और पापों से मुक्त बनना, मतलब ये शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए इसका मतलब हम जो कर रहे हैं अभी व्यवहार के लिए वो सब छोड़ देना ऐसी बात नहीं है, लेकिन आसक्तता छोड़ देना। जब हम व्यापार में, मतलब जो हम हमारे पेट के लिए, इसलिए कहते हैं पापी पेट के लिए सब कर रहा हूँ, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि पापी पेट आसक्त बनाता है। इसलिए व्यापार को छोड़ना मतलब जो कर रहे हैं संसार के लिए उसकी आसक्तता छोड़ देना, मतलब व्यापार को छोड़ देना ऐसा उसका भाव है। और वो आसक्तता छोड़ देंगे तो पाप अपने आप छूट जाएगा। इसलिए व्यापार को छोड़ना, पापों से मुक्त बनना, ज्ञान दीप के आलोक में जलते फिरते रहना, मतलब ज्ञान दीपक बेड़की नल्ली ओडियाड़ बेकू, ऐसा कानड़ी में वो कहते हैं। मतलब वो ज्ञान दीप, ये ज्ञान दीप का प्रकाश है। ज्ञान दीप का प्रकाश मतलब क्या? भगवान का प्रकाश है। ज्ञान दीप के प्रकाश में चलते फिरते रहना मतलब क्या? जो मध्वाचार्य जी का संदेश है, नाहम करता हरिक करता तत्पूजा कर्म चाखिलम तथापि मत्कृता पूजा तत्प्रसादेन नान्यथा, मेरे जो सब कर्म है, सब कृति है, उसका स्वामी, उसका प्रेरक, उसका कर्ता ये भगवान है, इस विचार से कृति करना, इस विचार पूर्वक, इस धारणा से, इस ज्ञान से कृति करना, यही ये ज्ञान दीप के प्रकाश में चलते फिरते रहना, ऐसे पुरंदर दास जी हमें बताते हैं। और ऐसे बहुत सारी रचनाओं में मानव देह की, उसका महत्व हमें बताते हैं कि मानव देह मानव जन्मा दुड्डदु, ऐसा एक उनकी कानड़ी में रचना है। मतलब मानव का जीवन है, मानव का जो देह है वो बहुत बड़ा है, बहुत तपश्चर्या के बाद वो हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसकी हानि मत करना, उसे उसका रक्षण करना। और उसकी रक्षण, उसका रक्षण क्यों करना है? क्योंकि उस मानव देह से भगवत की प्राप्ति हो सकती है, किसी और देह से नहीं हो सकती। मतलब अब रामायण में हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने सबको लेके अपने धाम को, वैकुंठ धाम को वो ले गए, लेकिन वो जो जीव था उसकी योग्यता वैसी थी, उसकी साधना थी। और वो साधना कब कर सकता है? जब मानव देह उसे प्राप्त होता है, तो मानव देह में साधना करके ही आप ज्ञान का, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए वो मानव धर्म का, वो मानव देह का बड़प्पन भी, उसका महत्व पुरंदर दास जी उनकी रचनाओं में बताते हैं। और उसके बाद ऐसा रहता है कि ये संतों का एक भाव रहता है, वो भगवान से झगड़ते भी है, भगवान को एक माता की तरह उसको प्यार भी देते हैं, एक भक्त की तरह उसकी भक्ति भी करते हैं, ऐसे अलग अलग रूपों में वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का महात्म्य वर्णन करते हैं। तो उनकी एक रचना है जहाँ वो भगवान से झगड़ते हैं, वो कहते हैं कि मेरी रक्षा नहीं कर सके तो क्यों मुझे जन्म दिया। ये एक झगड़ना, इस रचनाओं से हमें सीखना चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे वो वाईफाई रहता है या ब्लूटूथ रहता है जो 24/7 कनेक्टेड रहता है, उसी तरह इस अलग अलग रचनाओं में से, इस भाव से हम भगवान के प्रति हम कनेक्टेड रहना चाहिए। इसलिए मेरी रक्षा नहीं कर सके तो क्यों मुझे जन्म दिया, यह अपने कुल का कोई नहीं, अपना हित करने वाला को ही नहीं, झगड़ रहे हैं। एक जैसे हम अपने पिताजी से, माताजी से झगड़ते हैं, उसी भाव से पुरंदर दास जी भी भगवान से झगड़ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया है।
यह रहना ठीक नहीं, पर इंद्रेश ही जाने, देश का परिचय नहीं, देह में शक्ति नहीं, यहाँ रहने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं। संसार से आसक्तता अब हट चुकी है और वो भगवान ही सब कुछ है ये पता चल गया है, इसलिए अभी इस संसार में मुझे रहना नहीं, ऐसा पुरंदर दास जी कहते हैं। जी उब गया है, अपना कोई नहीं है, वासुदेव ही जाने ऐसा क्यों किया है। जैसे मैंने बताया, आप सब भगवान के ऊपर ही लक्ष्य है। बुला कर देने वाला नहीं, करुणा दिखाने वाला नहीं, परमात्मा के सिवा कोई गति नहीं। तभी व्यापारी थे, तब सब गति ये पैसों से ही है, और हमारे भाई हमारा भी वैसा ही है। हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, हमें लगता है कि पैसा ही गति है, लेकिन पुरंदरदास जी कहते हैं परमात्मा के सिवा कोई गति नहीं, जीवनचर्या में कोई सार नहीं, करणों में दृढ़ता नहीं, राजा पुरंदर विट्ठल आप ही जानते होंगे। ये पुरंदर विट्ठल, देखिए हरिदास की ये और एक विशेषता कि जैसे मैंने बताया कर्ता भगवान स्वयं है, इसलिए ये रचना करने वाला भी वही है। इसलिए व्यासराज जी की भी नाम मुद्रा थी जो रचना किए, उनमें मध्ववल्लभ श्री कृष्ण, श्रीपाद राज तीर्थ की थी रंग विट्ठल, पुरंदर दास जी की थी पुरंदर विट्ठल, उसमें भी भगवान का नाम आना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने मुझे निमित्त बना के, जो गीता का संदेश है निमित्त मात्रम भव सव्यसाचि, वही निमित्त बना के, मुझे निमित्त बना के ये रचना की गई है, इसलिए पुरंदर विट्ठल, उसमें भी भगवान का ही नाम देते हुए वो सब भगवान को अर्पण करना, ये एक विशेषता, ये एक संदेश हरिदास संप्रदाय के दासों ने उनकी रचनाओं में दिखता है। चमत्कारों के भी घटना बहुत है पुरंदर दास जी की जीवन में, ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए, सब अभी इधर में हम काल की मर्यादा होते हुए ले नहीं सकते, लेकिन एक घटना, पुरंदर दास जी पंढरपुर में थे और उनका उनकी अब उम्र हो चुकी थी, उन्हें दिखता नहीं था, तो उन्हें प्यास लगी, रात का समय था, उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, लेकिन सब सो गए थे, इसलिए उनके बच्चों को पता नहीं चला, इसका ज्ञान नहीं हुआ कि हमारे पिताजी हमें बुला रहे हैं, लेकिन ये तो उनका नाम ले रहे थे। और भगवान की लीला, पुरंदरदास जी का पूरा जीवन ही भगवान की लीला से भरा है, ऐसे ही भगवान ने लीला की, बच्चे का रूप लेके आए और उन्होंने उनको पानी का लोटा दिया, पुरंदरदास जी ने पानी पिया और पानी पीने के बाद उनको लगा उनका ही कोई बच्चा है, इसलिए वो बोले किधर था, मैंने इतनी बार तुझे बुलाया लेकिन क्यों नहीं आया, ऐसे करके वो लोटा उस बच्चे के सिर पर मारा। और जब अगले दिन पंढरपुर में जब सब पुजारी लोग आए, अर्चक आए, और उन्होंने देखा कि भगवान के सिर पर इधर चोट है, और पुरंदरदास जी भी दर्शन करने के लिए जब आए तो देखा कि भगवान की मूर्ति जो है विट्ठल की, उसके सिर पर चोट है, तो उन्हें उसका स्मरण हुआ कि मैंने मेरा बच्चा समझकर जिसे कल लोटा मारा, वो मेरा बच्चा नहीं, स्वयं भगवान था और भगवान को मैंने मारा। तो इसी प्रकार महत्वपूर्ण और चमत्कारिक घटना उनके जीवन में बहुत हो चुकी है। और कृष्णदेवराज जो सम्राट थे विजयनगर के, उन्होंने भी जैसे मैंने बताया पुरंदरदास जी का सम्मान किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके लिए एक मंडप का निर्माण कृष्णदेवराय जी ने किया था, और बाद में उनकी उम्र होने के बाद वो वही रहा करते थे पुरंदरदास जी, और वही उनका देहांत हो गया। इसी तरह जैसे मैंने शुरू में बताया, ये हरि कथा का महत्व बताने जैसा, इन दोनों संतों का महत्व बताना, इनका कार्य बताना है। ये काल मर्यादा में हम जितना भी इसे बताए, इसे प्रस्तुत किए, उतना कम है, और हमारी मति भी उतनी
तेज नहीं है कि हम उस सारे विषयों को ग्रहण कर सके। लेकिन जो भी समय हमें मिला और इस पुण्य पर्व काल में हम इन दो संतों की जो चरित्र था, इनकी जो रचनाएं थी, उनका जो संदेश था, उसका यथामति हमने चिंतन किया और इस संतों का जीवन चरित्र का चिंतन करके उनके संदेशों का उनकी वाणी का चिंतन करके, स्मरण करके क्या होता है कि हमें भगवान का दार्ढ्य, भगवान महात्म्य हम में बढ़ने लगता है और भगवान के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ होती रहती है। इसलिए इन संतों का चरित्र हमें निरंतर श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अभी तो ये YouTube के माध्यम से इसकी प्रस्तुति हो रही है, तो इसका संकलन हो रहा है, तो इसका निरंतर हम श्रवण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और उन संतों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज इस प्रवचन में, इस पूरे उत्सव में एक सामान्य, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को सेवा अर्पण करने की जो उपलब्धि वर्ल्ड व्यासराज डिवोटी फोरम ने और उनके प्रमुख नागू श्रीनिवास जी ने दी, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कार्य वो कर रहे हैं, इसमें भगवान उन्हें पूरी प्रसन्नता के साथ उन पर कृपा करे। और ये भगवान महात्म्य का कार्य, ये आज के ज़माने के हरिदास है, ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि वही संतों का कार्य, संतों के विचार, उनका संदेश का प्रसार करना, ये कार्य वो कर रहे हैं। इसलिए भगवान की उन पर कृपा रहे और हम सब पर भगवान की कृपा रहे और उसकी भक्ति हमें इस जन्म में और आगे जो भी जन्म होंगे उस जन्म में उसका स्मरण रहे, ऐसी व्यासराज तीर्थ जी के अंतर्यामी, पुरंदरदास जी के अंतर्यामी, भारती रमण मुख्य प्रांतर्गत श्री भगवान नारायण के पास मैं प्रार्थना करता हूँ और इस प्रवचन की समाप्ति करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। यः सर्वगुण संपूर्णं सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रतिये बालं विष्णोर्मे परमः सुहृद् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।